बहुत-बहुत स्वागत है ऋषि में आपका। हाँ, थैंक यू सो मच। और करवा चौथ का उपवास का असर जो है जिंदगी पर दिखने लगा है, और अभी गोल गोल घूम के वो नीचे डाउन हो गया। गोल गोल घूम के डाउन हो गया, क्या बात बनी, ऐसा लगा था तुमने ना किसी गुब्बारे की गुब्बारे की बात की कि मैंने हवा भरी, हवा निकल के वो नीचे गिर गया। कुछ नहीं, एक सिक्वेंस आया, बहुत अच्छे सीन्स आए और मेरे और गोपी के। तो जग्गी क्या है कि जग्गी को ना भी गोपी का से प्यार हो जाएगा अंदर ही अंदर, वन वो होता ना वो कि एक तरफा प्यार, तो वो हो जाएगा एक तरफा प्यार। और गोपी को इस चीज़ का अंदाज़ ही नहीं होता कि ये क्यों कर रहा है ऐसी चीज़ें। जैसे अभी मैं करवा चौथ का व्रत रखूँगा तो पता ही नहीं होता, सिर्फ उर्मिला को पता होता है, मामी आंटी को, और वो मेरा साथ देती है। उससे सारे नाटक करता हूँ, जानबूझ के उसके पैरों के पास जा गिर जाए, तो मुझे चक्कर आए तो वो पानी पिलाए ताकि मेरा व्रत टूट जाए, तो वो मुझे खाना खिलाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब छोटी नहीं, जो मतलब क्यूट चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छी लगे। तो ये प्यार जो है एक तरफा होगा या दोनों तरफ से इशू? भाई अभी तो एक तरफा है, जब दो तरफा होगा तो आपको पता चल जाएगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा साथ ही।